आज आपसे बात करने वाली हूं कि आखिर अंक 24 नंबर 24 को यूनिवर्सली लकी नंबर क्यों माना जाता है। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज के इस एपिसोड में आपसे बात करने वाली हूं कि अंक 24 को अंक शास्त्र की दृष्टि से इतना लकी क्यों माना जाता है। अगर अंक 24 को जुड़े तो आपको मिलेगा अंक 6, 2 और 4, और 6 है नंबर शुक्र का, शुक्र वैभव का, और इसे जोड़ा जाता है लक्ष्मी जी से। और अगर लक्ष्मी यंत्र की बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें जो अंक लिखे होते हैं उन अंकों को अगर आप जोड़ें अलग अलग तरीकों से तो टोटल आता है 15। लेकिन ये अंक 24 को जोड़ने पर भी 6 आता है और अंक 15 को जोड़ने पर भी 6 आता है और अंक 33 को जोड़ने पर भी 6 आता है। तो 6 है अंक शुक्र का, वैभव का और लक्ष्मी जी का। लेकिन ये आमतौर पर मान्यता है कि अंक 24 नंबर 24 बहुत लकी होता है। अब आखिर ऐसा वाकई में ऐसा होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है, आप सबके ये काफी क्वेश्चंस थे तो उन्हीं के आधार पर आज ये एपिसोड है। तो अंक 24 को अगर आप देखें तो उसमें है 2 अंक 2 और 4। अंक 2 जुड़ा हुआ है चंद्रमा से, चंद्रमा जुड़ा हुआ है आपके मन से, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी काल्पनिक शक्ति से और मानसिक शक्ति से भी। तो क्योंकि अंक 2 जुड़ा हुआ है इसे, तो ये जब जुड़ जाता है अंक 24 के साथ तो ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है, इंट्यूशन भी देता है। और अंक 4 जुड़ा हुआ है अगर कहूँ तो एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से तो राहु का है। राहु आपको बहुत स्ट्रांग मेमोरी पावर देता है, आपके जो काम है उनमें शुरुआत कराता है और बहुत अचानक से बहुत प्रगति भी देता है। और अगर लोशु ग्रिड की दृष्टि से कहूँ तो अंक 4 आपको ग्रोथ फैक्टर देता है और संपत्ति से जुड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी भी देता है। लेकिन अगर जैसे ही ये अंक 2 और 4 साथ में आ जाते हैं वो बन जाता है 24, तो अंक 24 आपको सपोर्ट देता है कि रंक से राजा बनने में। वो व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा होता है रोजमर्रा की जीवन की आम जरूरतों के लिए भी, मैंने ही देखा है कि अगर ये अंक 24 का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। अंक 24 मिलने से जब आप यूज करने लगते हैं, जुड़े रहिए, शेयर करने वाली हूं कि आप इसको यूज कैसे करें। उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। अब अंक 24 है उसको अगर आप यूज कैसे करें, ढंग से तो यूज करना है तभी आपको ये सपोर्ट करेगा। पर ये अंक 24 आपको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट दिलाएगा, आपके जो काम रुके हुए थे वो शुरू हो जाएंगे। और अगर मैंने देखा है वो व्यक्ति जो साधारण से स्थिति में भी होते हैं अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत जीवन में कामयाबी मिलती है। अंक 24 को जो कहूंगी कि वाणी में उनके एक बहुत ही आकर्षण होता है, कहा जाता है दे हैव अ सिल्वर टंग, अपनी बात को कैसे कहा जाए ये उनमें एक ऐसा आकर्षण होता है, कहने का इतना अनूठा तरीका होता है, उस वजह से भी इनको जीवन में कामयाबी मिलती है और लोगों की सपोर्ट मिल जाती है। तो अंक 24 को यूनिवर्सली लकी नंबर माना इसलिए भी जाता है क्योंकि इसमें है आपकी मानसिक शक्ति जुड़ी हुई, चंद्रमा और मन इंट्यूटिव पावर्स भी हैं। 4 है जो आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी दिलाता है, और राहु अचानक से कामयाबी भी देगा, गवर्नमेंट सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, और जो रुके काम है साथ में अगर ये दोनों आ गए तो कुछ ऐसा मैजिकल रिजल्ट होता है कि व्यक्ति को बहुत कामयाबी मिलने लगती है। अब ये अंक 24 को लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि जिन्होंने भी इसका सही ढंग से यूज किया है, और हाँ ये ओवरनाइट सेंसेशन की तरह नहीं है कि रातों रात आपको कामयाबी मिल जाएगी, पर ये कहूंगी कि स्लो प्रोग्रेस है पर डेफिनेट प्रोग्रेस है जिससे आपको कामयाबी मिलती है। तो अंक 24 काम आपका नहीं हो रहा, जॉब नहीं हो रहा ठीक से लग पाता है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए है। हाँ अंक 24 को जोड़ने से 6 आ गया तो वो लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है, वैभव से जुड़ा हुआ है, शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो जब ये नंबर्स एक साथ आ जाते हैं तो बहुत सपोर्ट करते हैं। और अंक 24 कहूं तो उसमें अगर 12 को देखें तो 12 2 बार आया है,
12 नंबर को अगर ऐड करें तो आ जाएगा अंक 3। 3 जुड़ा हुआ है विजडम से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो वेल्थ नंबर भी आ गया, सपोर्ट भी आ गया और राहु भी आ गया। और अगर वैभव आ गया है लक्ष्मी जी का 6 नंबर होने से, तो ये एक मैजिकल रिजल्ट होता है। हाँ, ये यूनिवर्सल लकी नंबर है, बहुत सपोर्ट करता है। पर मैंने देखा है वो जिनके जन्म में अगर तिथि है 2, 4, 6 और 8, चाहे वो डे नंबर है, जन्मदिन है उनका, या पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से ये अंक आया है 2, 4, 6, 8, वो अगर अंक 24 का इस्तेमाल करते हैं तो उनको औरों के मुकाबले बहुत सपोर्ट मिलता है। अब अंक 33 है, वो भी 6 है, तो ये भी यूनिवर्सल लकी नंबर है क्योंकि लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। और नंबर 3 2 दफा आया है। और अगर यही देखें, क्योंकि 3 गुरु से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आपके विजडम से जुड़ा हुआ है। एक होती है पढ़ाई, जिसे आप पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है ज्ञान। सो अंक 33 एजुकेशन लाइन से, टीचिंग इंडस्ट्री से, काउंसलिंग से, कोचिंग से, कंसल्टिंग के लिए, ये उनके लिए यूनिवर्सल लकी नंबर है। और साथ ही साथ जिनका जन्म हुआ है 1, 3, 5, 7 और 9, चाहे वो जन्मदिन उस दिन का है या जन्म तिथि को जोड़ने से ये अंक आया है 1, 3, 5, 7, 9, उनके लिए अंक 33 यूनिवर्सल लकी नंबर है। पर अगर आप कोचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, टीचिंग, इन सब से नहीं जुड़े हैं और आपको जॉब नहीं लग रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, या हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब फिर सारे के सारे अंक 1 से लेकर 9 तक के लिए अंक 24 यूनिवर्सल लकी नंबर कहा जाएगा। तो अगर क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये आपके लिए अंक 33 है या नहीं, तब उस केस में हर व्यक्ति के लिए अंक 24 लकी नंबर है। तो अब आप यूज कैसे करें, अंक 24 है या 33, आप क्या कर सकते हैं? अंक 24 को आप ब्लू कलर से लिखें। आप कर सकते हैं ब्लू स्केच पेन से या ब्लू पेन से, आप वाइट पेपर पे लिख लें, यूनिवर्सल वाइट पेपर पे लिखें। हाँ, अलग अलग कलर्स पे लिखने की एक अलग रेमेडी होती है, लेकिन आम तौर पर आप लिख लें वाइट पेपर पे, आपने अपने वॉलेट में डाल लिया, आपने अपने दुकान में जहां पे आपका गल्ला है, कैश काउंटर आता है वाइट पेपर पे, वहां पे लिख सकते हैं। अलग अलग कलर्स की रेमेडी, अलग कलर्स पे लिखने से, अलग कलर के नंबर 24 लिखने की, वो एक अलग है जो आप जब भी किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करेंगे तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। पर ओवरऑल व्हाइट पेपर पे ब्लू कलर से अगर आपने नंबर 24 लिखा है, अगर आपको नौकरी में प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपने एक सफेद कागज पे अंक 24 लिख के अब हाथ में लेके आप चले जाएं। और नहीं तो ये है स्थान शुक्र का, आप यहां पे भी लेफ्ट हैंड, अब आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं, ज्यादा ना दिखे लोगों को, ज्यादा प्रश्न ना पूछे जाए, तो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे के नीचे एक छोटा सा नीले रंग से आप अंक 24 लिख सकते हैं। और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड में नीचे, यहां आप अंगूठे के नीचे, क्योंकि ये शुक्र का एरिया है, आप नंबर 24 लिख सकते हैं ब्लू कलर से। आपका कैश काउंटर है, सफेद कागज में आपने नंबर 24 लिख दिया, और नहीं तो ब्लू कलर का नंबर 24 आपने कीचेन ले लिया, हमेशा अपने पास रख सकते हैं। घर में आप इसे साउथ डायरेक्शन में हैंग करें, और ये मेक श्योर कि 24 नंबर जब आप दक्षिण की दीवार पर लगाएं तो वो फेसिंग नॉर्थ की हो, क्योंकि नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं, तो नॉर्थ फेसिंग हो। आपने डायरेक्शन का ध्यान रखा, अपने पास रख लिया, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, रोज नहा के आप यहाँ 24 लिख सकते हैं। अगर वो वॉश ऑफ हो जाता है, हट जाता है, आप फिर से नंबर 24 लिख लें ब्लू कलर से। चीज छोटी सी है लेकिन वो वाइब्रेशन ब्लू कलर और नंबर 24 का कुछ इतना स्ट्रांग होता है कि मैजिकली लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। ये हर एक के लिए है, फिर चाहे आपका बर्थ नंबर 1 से लेकर 9 तक किसी भी दिन का हो। लेकिन अगर आप टीचिंग से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, ट्रेनिंग से जुड़े हैं, स्पीकिंग वर्ल्ड से जुड़े हैं, या आप स्टेज पे कोच स्पीकर हैं या कोच हैं, कंसल्ट करते हैं, या आप एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से अगर आपने वाणी का इस्तेमाल किया और लोगों को सिखा रहे हैं, आप चाहे वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से जुड़े हों या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हो, या किसी भी तरीके से आप लोगों को कुछ ज्ञान दे रहे हो, उस केस में आप अपने लेफ्ट हैंड पे नंबर 33 लिखेंगे ऑरेंज या येलो कलर से, पीले रंग से।
और अगर राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड के थंब के नीचे, क्योंकि शुक्र का ही एरिया है, और अगर आप लेफ्ट ही हैं तो राइट हैंड में थंब के नीचे। आप फिर नंबर 33 आपके लिए यूनिवर्सली लकी नंबर होगा। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम करते हैं जो वाणी से जुड़ा हुआ है और आप लोगों को सिखा रहे हैं, कंसल्टिंग में है, कोचिंग में है, किसी में भी है, और अगर आपको ओवरऑल किसी भी बिजनेस से जुड़े हैं, कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, मान लीजिए आपके हाथ में तकलीफ है, तो जहां पे तकलीफ है वहां पे नंबर 24 ब्लू से लिख दीजिए। और अगर लिख के अलग अलग जगह आपको नहीं रखना है तो सिंपल सिर्फ एक नंबर 24 नीले रंग का की चेन भी अपने पर्स में रख सकते हैं, ये तो खुद ही एक सफेद कागज पे नंबर 24 लिख के अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो नंबर 24 क्यों ये यूनिवर्सली लकी नंबर है, ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें आपके ज्यादा खर्च भी नहीं होंगे, पर ये हेल्प करता है। पर दूसरी चीज ये कहूंगी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस और रेमेडीज मैंने इस साल आपके साथ अलग अलग एपिसोड्स में शेयर किए। सब रेमेडीज एक साथ मत करिए, कुछ एक रेमेडी को कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक होने दीजिए, इस्तेमाल करिए। कोई बीमारी अगर क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है तो उसको हील करने में भी समय लगेगा, क्योंकि पहले तो वो बीमारी इतनी घर कर गई है कि उसकी जड़ तक पहुंचना है, जड़ तक पहुंच गए तो उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो भी हटने हैं। तो अगर कोई रेमेडी आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद कर रहे हैं और आपको उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो पहली चीज तो देखिए आपने कितनी एक साथ रेमेडीज करी, वो बीमारी कितनी पुरानी थी या वो परेशानी कितनी पुरानी थी, थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर मेरे वीडियोस को देखने के बाद किसी भी एपिसोड को आपने देखा, आपको उससे कोई भी थोड़ा सा भी अगर फर्क पड़ा है, आपको सपोर्ट हुआ है, तो प्लीज कमेंट्स में शेयर जरूर करें। इट हेल्प्स अस फील बेटर। ये हम सबका यहाँ टीम इनविंसिबल में मनोबल बढ़ाता है। आज के इस एपिसोड को करने की वजह थी कि आप सबके क्वेश्चंस थे कि क्या वाकई 24 अंक लकी होता है, और होता है तो क्यों होता है। इतना मान लीजिए 24 अंक का कुछ मैजिक है, जब ये सारे के सारे अंक एक साथ आते हैं, क्योंकि जीवन में वैभव चाहिए। ये तो वही बात हुई कि किसी ने बहुत तपस्या करी और भगवान उनके सामने आए, तो उन्होंने भगवान ने उनसे कहा कि सिर्फ कोई एक मुराद तुम्हारी पूरी हो सकती है, और उन्होंने कह दिया कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने ग्रैंड किड्स को, पोते पोतियों को भी खुले हाथ से बांटूं, चाहे धन दौलत हो और जो भी हो, कोई एक ऐसी विश मांगे। अब अगर वो व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो और उसने ऐसा मांग लिया, तो उसने तो भगवान से सब मांग लिया, लंबी उम्र भी मांग ली, धन दौलत भी मांग ली, अच्छा परिवार भी मांग लिया, और जीवन में वैभवता भी मांग ली। वैसे ही अंक 24 का है कुछ, जीवन में बहुत छोटी छोटी और या बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक चीज, एक सॉल्यूशन करो, उसको लेकर के चलिए, तो वो हेल्प करेगा। क्योंकि अगर वैभवता आ गई तो फिर सपोर्ट, तो मतलब ये हुआ कि आपके पास संपत्ति भी बन सकती है, और वैभवता है मतलब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो सामान चाहिए या जितनी आपको पूंजी चाहिए वो भी है। और अगर वैभवता है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपनी बात को भी स्पष्टता से कह पाएंगे आप। ये वैसे ही अंक 24, जीवन में आपकी बहुत परेशानियां चल रही होंगी, सेहत से या कहूं रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज से है। आमतौर पर अंक 24 अगर आप उस इरादे से लिख के अपने साथ रखते हैं, सिर्फ उसमें आपकी वो इंटेंशन जाती है, तो वाइब्रेशन से वो एनर्जाइज और एक्टिवेट हो जाता है, तो अंक 24 तब आपको हेल्प करता है। तो दोनों लक्ष्मी के ही स्वरूप, चाहे 24 हो या 23, पर इस वजह से आपको हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।